हेलो एंड वेलकम टू एसएस कॉलोनी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह चौहान और आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 जो चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें एलसीएम। देखो हमने अभी पिछले कुछ जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है, एचसीएफ सीखा है, एचसीएफ के दो मेथड सीखे हैं। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। देखो एलसीएम क्या होता है, जैसे एचसीएफ क्या था अगर बात करें तो एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी किसी भी दो नंबरों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो उसका एचसीएफ था। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है ये देखो, जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो मैं जैसे मान लो 6 है, ठीक है ना, 6 की टेबल में तो 6 1 6 2 12 3 18 4 24 36 48 सॉरी 42 48 54, ठीक है ना, यहाँ तक लिख लिया। अभी अब ऐसे ही 9 के लिखते हैं। देखो 9 के अगर मैं लिखूँ तो देखो 18 फिर 36, ठीक है, फिर उसके बाद में 45 फिर 54, यहाँ तक लिखते हैं। देखो यहाँ पे 9 1 9 9 47 36 45 एंड 54। अब देखो क्या है, ये भी एक नंबर है 9 और एक 6, ये दोनों दो अलग अलग नंबर है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि इन देखो जो 6 के जो ये टेबल रहेगा, 6 का मल्टीपल होता है ना, 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, 2 से गया तो 12 मिला, 3 से गया तो 18 मिला। वैसे ही अगर 9 की बात करें तो 9 की टेबल क्या होती है, उसका मल्टीपल होता है 9 1 9, 2 से गया तो 18, 3 से गया तो 27, यानी कोई भी दो नंबर के बीच में वो मल्टीपल यानी जो दोनों की टेबल में आए और दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल हो। तो देखो अगर 6 और 9 की टेबल की बात करें तो देखो 18 यहाँ पे भी आता है, 18 यहाँ पे भी आता है, 36 आ रहा है यहाँ पे, 36 यहाँ पे भी आ रहा है, 54 आ रहा है, 54 यहाँ पे भी आ रहा है। तो देखो 6 और 9 के मल्टीपल कौन कौन से हो गए, 6 और 9 के मल्टीपल की बात करें तो क्या हो जाएंगे, 18 हो जाएगा एक तो, ठीक है, एक हो जाएगा अपना 36 और एक हो जाएगा 54। तो ये तीन तो हो गए इनके बीच के कॉमन मल्टीपल, क्या हो गए, ये कॉमन मल्टीपल हो गए इनके। पर बात यह एलसीएम की वगैरह है ना, तो एलसीएम में क्या होता है लीस्ट या लोएस्ट यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, ये देखो ये 18 है ना, 18 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, यानी 6 और 9 के लिए जो इनका एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा इनका, 18 होगा। यानी ये वो है जो इन दोनों के टेबल में आता है, यानी ये कह सकते हो कि इस 18 के ये दो फैक्टर हैं 6 और 9, ठीक है। यानी कोई भी दो नंबर आपको दे दिए जाएं और कहा कि इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आपको ये देखना है कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल आता है ना, सबसे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। होने को तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं पर जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो, जैसे अगर बात की जाए 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 9 का एलसीएम भी 18 ही होगा भाई, 2 और 9 के बीच में कॉमन मल्टीपल क्या है, 18 ही तो है। तो वैसे ही 6 और 9 है तो इनके बीच का भी 18 है। अगर 3 और 4 की बात की जाए तो उनके बीच का सबसे कॉमन मल्टीपल, जैसे अगर बात करें 3 और 4 की, 3 की बात करूँ और मैं 4 की बात करूँ, तो 3 और 4 के बीच में सबसे छोटा नंबर जो कॉमन मल्टीपल है उनका वो क्या है भाई, 3 की अगर टेबल बोलें तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, और 4 की बात करें तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, यानी दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, और 12 सबसे छोटा है भाई। इसके बाद में इन दोनों के बीच में कॉमन 24 भी आता है, ठीक है, 40 भी आता है, 42 भी आता है, पर सबसे छोटा कौन सा है, वो 12 ही तो है। तो ये इन दोनों के लिए क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यानी एलसीएम क्या होता है, कोई भी अगर आपको नंबर दे जाए वो 2 हो सकते हैं, 3 4 कितने भी हो सकते हैं, उनके बीच में सबसे कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल जो होगा वो उनका एलसीएम कहलाता है। अब एलसीएम निकालते है कैसे हैं, ठीक है ना, ये तो बात हुई कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम तो भाई कॉमन मल्टीपल हो गया, अब एलसीएम निकालें कैसे, तो देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम की अगर मैं बात करूँ ना, तो एलसीएम को निकालने के भी आपके दो तरीके हैं। एलसीएम की अगर बात की जाए तो एलसीएम को निकालने के भी वही दो तरीके हैं। देखो सबसे पहले जैसे उसमें था अपना प्राइम फैक्टर, इसलिए मैं कह रहा था कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से करना है। क्यों करना है प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो ये चाहे आपने एचसीएफ करो चाहे आप एलसीएम करो, आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट है। क्योंकि बहुत सबसे देखो कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले आपको टेबल आनी चाहिए, और अगर आपको टेबल आती है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बहुत ईजिली कर लोगे आप किसी भी नंबर का। और दूसरा वही डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड जो है ना, यहाँ पे अगर आपने एच सी एफ का डिवीजन मेथड प्रैक्टिस किया हुआ तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि एच सी एफ का डिवीजन मेथड ही यहाँ पे यूज़ होगा। एच सी एफ से ही आप एलसीएम निकालेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो
यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे अपन एलसीएम निकाले, कैसे निकलेगा? देखो बहुत सिंपल है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपकी बुक का, एग्जांपल नंबर वन, आपकी बुक का ही एग्जांपल है एग्जांपल नंबर वन, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है देखो, एग्जांपल वन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 125। आपको एलसीएम निकालना है, फाइंड एलसीएम ऑफ 30, 45 और 125। आपको इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप क्या करोगे, देखो 30 की अगर बात करूँ तो मैं ऐसे निकाल के दिखाता हूँ आपको, इसको एलसीएम निकालना कहते हैं। यहाँ पे 2 लिखा, अब देखो सबसे पहला सबसे छोटा नंबर प्राइम कौन सा, 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 30 कितनी बार आता है, देखो 13, देखो 15 2 से 30 होता है या 2 15 से 30 होता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, यानी 2 के टेबल से 30 कितनी बार गया, 15। अब देखो 15 जो है ना वो 2 की टेबल में नहीं आता, यानी 2 अब प्राइम नंबर, एज अ प्राइम नंबर आप 15 के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब 2 के अलावा हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम या तो 2 से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर की बात करें तो 3 है, क्या 3 की टेबल में 15 आता है, आता है। अब 5 भी आता है, भाई 5 की टेबल में तो 15 आता है, 5 भी प्राइम है, पर क्योंकि 2 से जस्ट बड़ा 3 है तो हम पहले 3 यूज़ करेंगे। 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। अब देखो हम 3 भी यूज़ नहीं कर सकते और 2 तो पहले ही हमने हटा दिया, तो अब 3 के बाद में जस्ट बड़ा प्राइम नंबर 5 ही होता है और 5 इसको डिवाइड कर सकता है, तो हमने 5 लिखा और क्या आ गया 1। ये हो गया 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो 30 के लिए क्या हो गया हमारे पास में 2 × 3 × 5, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, 45 की बात करता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा फिर से 45। अब देखो 45 क्या 2 से 45 डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर बार 2 से करना, अगर नहीं हो रहा तो फिर कैसे करोगे 2 से, ये 45 नहीं हो रहा 2 से तो कैसे करोगे। तो अब देखो 45 नहीं हो रहा, क्या 3 से ज़्यादा है क्या ये? अब आप कैसे चेक करोगे 3 से ज़्यादा है, वही 3 का डिविजिबिलिटी रूल, इन दोनों को ऐड करो, 4 + 5 = 9 होता है, क्या 9 आता है 3 के टेबल में, आता है, यानी 45 9 से डिवाइड, 3 से डिवाइड होगा और 9 से भी होगा, तो 3 से देख लो यहाँ पे 3 के टेबल में कितनी बार जाएगा, देखो तो 15 3 से 45 होता है या 3 15 से 45 होता है। एक चीज़ ध्यान रखना, आप चाहे इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो चाहे आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, सेम ही आना है। तो चाहे आप 15 की टेबल 3 टाइम बोलो या 3 की टेबल 15 टाइम बोलो, आपको आएगा सेम ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 15, ठीक है, 3 के टेबल 45 की टेबल 15। अब 15 है तो फिर 3 से जाएगा ही जाएगा, जैसे यहाँ किया था 5 टाइम, और फिर 5 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो 40 के लिए 45 के लिए क्या हो गया अपने पास में 3 × 3 × 5, ये हो गया इन दोनों के लिए। अब बात करते हैं 125 के, देखो 125 की बात करते हैं, 125 है, देखो 5 आ गया यहाँ पे, कोई भी इवन नंबर नहीं है, अगर इवन नंबर नहीं तो 2 से नहीं जाएगा, तो हमें 3 से करना है। अब 3 से भी जाता है, यानी डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 2 + 1 = 3, 3 + 5 = 8, 8 आ गया, यानी 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब क्या करें, 5 से करते हैं, देखो 5 यहाँ पे 12 है, 5 × 2 = 10, 2 रिमाइंडर बस गया, 5 कैरी किया 25, 5 × 5 = 25, ठीक है ना। फिर 5 से करेंगे, 25 जाता है 5 के टेबल में, फिर 5 लिखा यहाँ पे, तो 125 के लिए क्या आ गया अपने पास में 5 × 5 × 5 आ गया ना 3। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ पे इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ना, यानी देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 2 एक बार आ रहा है। अब आप क्या करोगे 3, अब देखो 3 आपको 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है, ऐसा नहीं लिखना आपको। सबसे ज़्यादा 3 की हाईएस्ट पावर किस में है, 3 की हाईएस्ट पावर का मतलब क्या, देखो यहाँ पे 3 एक बार ही आ रहा है, पर यहाँ पे 3 दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे 3 × 3 × 3, या फिर आप ऐसे भी, या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे ना लिख, ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 2। अब देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, पर यहाँ पे 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो 5 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स बस। अब ऐसा क्यों किया, तो देखो इसमें देखो 30 बनाने के लिए आपको 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए और 1 5 चाहिए, उससे आपका 30 बन जाएगा। 45 बनाने के लिए आपको 2 3 चाहिए और 1 5 चाहिए, वो मिल जाएगा, और 125 बनाने के लिए आपको खाली 3 5 चाहिए। तो ये ऐसे होता है एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम क्या होगा, कॉमन नंबर जिसमें जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। आप देखो क्या होगा, 2 × 3² = 9 और 5³ = 125। अब आप क्या करेंगे, 18 × 125, और ये आएगा आपके 2250, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा इसका। तो एलसीएम जो है वो ऐसे निकालते हैं, आपको ये निकालना है, उसके बाद में कॉमन देखना है हाईएस्ट पावर किस में है,
जिसमें भी तीनों में से या चारों में पांच हो जितने भी हो उनमें जिसकी हाईएस्ट पावर होगी ना वो नंबर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये तो वो आपका एक मेथड। अब बात करते हैं बाय डिवीजन मेथड। अब ये तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, एक होता है कॉमन डिवीजन मेथड। अब कॉमन डिवीजन मेथड बात करते हैं बाय कॉमन डिवीजन मेथड। अब कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, देखो कॉमन डिवीजन मेथड की बात करें तो देखो आपका एग्जांपल नंबर सेकंड करवाता हूँ मैं इसके लिए। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड एलसीएम। आपका एलसीएम निकालना है, क्यों मिटाया इसको, फाइंड एलसीएम किसका निकालना है आपको, 15, 20 और 30, इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से। आप क्या करेंगे, अब देखो वहाँ पे जब अपन को 30, 45 और 125 दिया था अपन ने तीनों को अलग किया था, अपन यहाँ क्या करेंगे तीनों को साथ में लिख देंगे, भाई तीनों साथ में भी तो जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक 30 दिया हुआ है, एक 20 दिया हुआ है, एक 15 दिया हुआ है, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नंबर है जो इवन है, 20 इवन है, 20 इवन है ना, तो आप सबसे पहले 2 से करेंगे इसको, 30 भी इवन है, ये नहीं है पर ये दोनों इवन है, तो देखो आप इनको करेंगे ना सब, तो 15 है, 15 का तो 15 रह जाएगा, 20 कितने टाइम से, 20 कितने टाइम गया 2 से, 10 टाइम्स, और 13 कितने टाइम गया, 15 टाइम्स। अब देखो इनमें से अभी भी कोई इवन है क्या, ये इवन है, तो फिर 2 से करोगे आप, 15 ये कितनी बार गया 2 से, 5 टाइम्स, और ये कितनी बार गया, 15 टाइम्स। अब आप कहोगे 5 देखे सर 5 से कर दो, दोनों से रह जाएंगे, अगर आपने यहाँ 5 से कर दिया ना तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा ना, 5 की 2 से 15 3 टाइम्स आता है, और फिर यहाँ 3 टाइम्स आता है, उसके बाद आप 3 से कर ही नहीं पाओगे क्योंकि आपने पहले 5 से कर दिया, तो 3 से 10 बड़ा कौन होगा, 2 से 10 बड़ा कौन होता है, 3 होता है, तो पहले आप 3 से करोगे, 3 से करोगे तो देखो 3 15 5 टाइम गया, ये 5 का 5 एज इट इज कैरी हो जाएगा क्योंकि नहीं हो रहा डिवाइड, और ये 15 डिवाइड होगी कितनी बार आ गया, 5 टाइम। अब आप 5 से कर सकते हो, अपने 5 से क्या आपको पूरा डिवाइड हो गया। अब देखो ये यार रिमाइंडर नहीं होता, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अब देखो ये है एलसीएम, कॉमन एलसीएम क्या आएगा इसका, 2 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर को लिखा 2 टाइम्स आ रहा है, इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आएगा देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 थ्री 12, 12 5 60, ये आपका आंसर हो गया। तो आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो एक एक करके, पर वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप साथ में भी निकाल सकते हो। तो मैं तो एलसीएम के अंदर प्रीफर करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज़ करें। एचसीएफ के अंदर भी, एचसीएफ जब हमने पढ़ा था तो मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको कि एचसीएफ में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तब यूज़ करना है जब आपको छोटे नंबर दिए और बहुत ईजी से आप उनको कर पा रहे हो, प्राइम फैक्टराइज कर पा रहे हो, पर अगर आपको बड़े नंबर दिए हो तो आप उसके अंदर डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ आपके दोनों मेथड। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं, अच्छा अच्छा एलसीएम के। देखो एलसीएम का एग्जांपल नंबर, देखो प्रॉपर्टीज, अब आपके एक टॉपिक आया पहले वो समझ लो, देखो आप क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी आपको एचसीएफ और एलसीएम की प्रॉपर्टी निकालनी है। ये क्या होती है प्रॉपर्टीज, देखो प्रॉपर्टीज वैसे तो आपको बहुत सारी दी हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है एचसीएफ ऑफ टू क्रो प्राइम नंबर इज वन, वो तो आपको मैंने बताई दिया कि एचसीएफ क्या होता है, 2 क्रो प्राइम नंबर का वन होता है, और एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर, ये सारी वही प्रॉपर्टीज है कि भाई एचसीएफ उस नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता, एलसीएम तो ज़्यादा हो सकता है, और एलसीएम के दो एलसीएम के अंदर क्रो प्राइम नंबर्स में क्रो प्राइम नंबर ज़्यादा आ सकते हैं फैक्टर, ये सारी बातें हैं, ये तो आपके बुक में लिखी हुई है, पर जो मेन हमें जो चीज़ सीखने वाली है ना वो इसके अंदर ही है। देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कोई भी दो नंबर है, द एक फॉर्मूला है वो ध्यान रखना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, बस कोई भी दो नंबर हैं, आपको दो नंबर दिए तो उन दो नंबर का एच सी एफ इंटू एल सी कैसे निकालेंगे, कोई भी दो नंबर जैसे मान लो एक नंबर हो गया एक्स और एक हो गया वाई, तो एक्स इंटू वाई क्या होता है, इन दोनों का एच सी एफ इंटू इन दोनों का एलसीएम, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, इससे आपकी लगभग आधी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व होगी, आगे भी आपके फॉर्मूले बहुत काम आएगा, ये बहुत काम आएगा लाइफ में आगे बता रहा हूँ मैं आपको, और वैसे तो होने हैं ही क्वेश्चंस, तो ये एकमात्र चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना कि कोई भी दो नंबर दिए ना उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट यानी उन दोनों को नंबर में आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो क्या होता है उनके एच सी एफ को एल सी एम से मल्टीप्लाई करने पे मिली हुई कोई भी डिजिट, जैसे अब समझाता हूँ, देखो मैं आपको एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, अपन एक छोटे नंबर ले लेते, अपन लेते
अपन ले लेते 28 और 32, 28 और 32 ले लिया। अब 28 और 32 के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4/4 ये इनका सबसे कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4, हाँ 4 ही है, ठीक है। और अगर बात की जाए इनके लिए एलसीएम की, तो इन दोनों का एलसीएम निकालो, देखो फटाफट एलसीएम निकालते हैं इनका, इनका एलसीएम निकालते हैं। देखो 2 से किया 14 टाइम्स, 2 से किया 16 टाइम्स, फिर 2 से किया तो 7 टाइम्स, 8 टाइम्स फिर 2 से किया, तो देखो 32 के लिए सीधा ही बता देता हूँ मैं आपको, 32 के लिए क्या आएगा 2 की पावर 5, और 32 के लिए आएगा 2 की पावर 5, और 28 के लिए क्या आएगा, देखो 28 के लिए आएगा 2, फिर 14 है तो 7, फिर 2 से किया आपने फिर 7, ये आ गया आपका। तो देखो अब इनके अंदर कॉम एलसीएम कितनी बार, 2 की पावर 5 × 7, क्या आ गया आपके पास 32 × 7, ये आएगा आपके, ये हो गया इसका एलसीएम। यहाँ पे आप लिख दो 32 × 7, और यहाँ पे क्या है आपके, ये इसका एलसीएम है। मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, इसको मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया अभी बताता हूँ आपको, और ये हो गया आपके 28 × 32। अब मैंने यहाँ किया क्या, फिर से देखो मैंने कोई भी दो नंबर मान लिया 28 और 32, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 4, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 32 × 7 होगा। मैंने आपको करके बताया भी कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप कहोगे सर ये दोनों आपस में इक्वल कैसे हैं, तो देखो 32 यहाँ पे भी है, 32 यहाँ पे भी है, तो ये तो चीज़ बराबर है। यहाँ पे क्या है 28, और यहाँ पे क्या है 4 × 7, 4 7 का क्या होता है 28 ही तो होता है ना, ये देखो दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, इसलिए इक्वल होता है ये, ठीक है। तो अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक क्लास, देखो अब थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स क्या, हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर फर्स्ट की, इसी जो अभी हमने प्रॉपर्टी करी है ना उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड एग्जांपल्स करवा रहा हूँ मैं आपको। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 145 एंड 232, यानी आपको क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है 145 और 232 का, यानी आपको क्या निकालना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालने हैं, और किसके निकालने। अब देखो आप नंबर भी आपको थोड़े अच्छे नंबर दिए हैं, मतलब 145 एंड 232, अब इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना और एल सी एम निकालना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एच सी एफ निकालेंगे, हमेशा ध्यान रखना सबसे पहले जब आपको उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन मिले सबसे पहले एच सी एफ निकालो, बहुत ईजी रहेगा। कैसे, अब देखो एच सी एफ कैसे निकालेंगे, आपका डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड क्या कहते हैं, छोटे वाले नंबर को एज अ डिवीजर रखो, बड़े वाले नंबर को एज अ डिविडेंड रखो, और बन जा गया है तो 145। अब देखो ये क्या हो जाएगा 12 में से 75 गए तो क्या आया 7, ये 3 था ये 2 हो गया, इसने कैरी किया 1, ये बन गया 12, 8 आ गया आपका 87 आ गया। अभी 87 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर से डिवीजर बन जाएगा, और आपका जो डिवीजर वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। अब देखो 2 जाए ये 160 से ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 किया तो 87, ये 15 तो यहाँ गया 8, ये क्या हो गया 13 में से 8 गए तो 58। अब ये जो 58 है डिवाइड करेगा किसको, 87 को, तो 58 ने डिवाइड किया 87 को, 1 टाइम जाएगा 58, क्या आएगा यहाँ पे 17, 8, 9 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया 6, 7, 7, 5, 29। अब 29 किसको डिवाइड करेगा, 58 को, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स पूरा पूरा गया, यानी इनका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ क्या हो गया अपना 29 हो गया, ठीक है ना। ये मैं आपको एचसीएफ निकाल के बताया, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे फिर एक बार समझो, अलग करवा चुका हूँ बहुत, 145 इससे डिवाइड किया 87 आया, 87 अब क्या बन जाएगा, डिवीजर और डिविडेंड बन जाएगा 145, फिर सॉल्व किया 58 आया, फिर 87 है 58 आया 57, अब किसके लिए इस ये बन जाएगा 87 डिवीजर सॉरी डिविडेंड, और 58 जो रिमाइंडर था बन गया डिविडेंड, सॉल्व किया 29 और 29 को, 29 को अगर 58 को डिवाइड किया 29 से तो आपका रिमाइंडर 0 बचा, यानी 29 आपका क्या हो गया, एच सी एफ हो गया, ठीक है ना। तो आपका एच सी एफ क्या हो चुका है 29, एच सी एफ क्या हो गया आपका 29। अब क्या करेंगे, देखो अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो ना, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो नंबर आपको दोनों नंबर दिए हुए ना, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट
फिर से बता रहा हूँ वो प्रॉपर्टी क्या थी, चलो मैं आपको प्रॉपर्टी लिख के देता हूँ। प्रॉपर्टी ये तो थी x इंटू वाई इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये तो था ना। और x और y यहाँ पे क्या थे, दो नंबर थे। इधर आपको दो नंबर कौन से दिए, 145 और 232, ये दो नंबर दिए ना आपको, तो यहाँ पे लिख दो बस 145 इंटू 232। और एच सी एफ क्या निकाला अपन अभी, 29। आपको क्या निकालना है, आपको एल सी एम निकालना है, निकालने लें एलसीएम। ये देखो यहाँ एच, ये 29 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, आप एलसीएम, मैंने इसको खाली इधर लिखा है और कुछ नहीं किया, 145 इंटू 232 अपॉन में 29। अब आपको उसको डिवाइड करना, आपको कि डिवाइड कैसे होता है, देखो 29 से 145 जाएगा, चेक करो 5 आ रहा है ना, इंटू 5 कर दो इसको, 9 5 40, देखो 29 इंटू 5 करके देखो। अब आप क्या करोगे, 29 इंटू 5 की जगह 20 प्लस 9 इंटू 5 कर लो, ज़्यादा इजी रह जाएगा। ये कितना हो गया, 100 प्लस 9 कितना हो गया, 45, क्या हो गया, 145 जा रहा है ना इससे, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो इसको काट दो बस, ये आ गया आपका 5। अब आपको क्या करना है खाली, भाई 29 से 145 गया 5 टाइम्स, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर वही बात, आप क्या करोगे, 200 प्लस 30 प्लस 2 इंटू 5, ये हो गया 1000, ठीक है। ये कितना हो गया, 150, ये कितना हो गया, 10, कितना आ गया, 1160, ये आ गया आपका एच सी एफ, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या किया अपन ने, पहले दो नंबर दिए हुए थे, इनका एच सी एफ निकाला पहले, वही डिवीजन मेथड से। एच सी एफ निकालने के बाद में वो जो फॉर्मूला है, ये वाला, ये जो आपकी प्रॉपर्टी है या फॉर्मूला, जो भी आप इसको बोलना चाहो, इसमें रखा, जो भी इनका जो रिलेशन है, एचसीएफ और एलसीएफ, रिलेशन एक बढ़िया वर्ड रहेगा इसके लिए, जो रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट का, उसके अकॉर्डिंग इसको रखा, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। तब देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2 जो है ना, वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप उसको ट्राई करना, बहुत इजी है। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आपको दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी आपको x इंटू वाई पहले से ही दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ, x इंटू वाई आपको पहले से ही दिया हुआ है, क्या दी, कितना दिया हुआ है, 2560, और आपको एच सी एफ भी दिया हुआ है, इसने एच सी एफ क्या दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है आपको 8, और आपसे पूछा गया उसने एल सी एम पूछा है, तो आपको फॉर्मूला पता है, x इंटू वाई इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है ना। और 265 क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे 2560, और एच सी एफ क्या हो गया 8, और एल सी एम का एल सी एम, अब आपको क्या करना है, एल सी एम निकालना, तो 8 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ना, एल सी एम क्या होगा, 2560 अपॉन 8। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या ये 2560 2568 से डिवाइड होगा क्या? अब 8 से डिवाइड होने के लिए 8 की डिविजनल प्रॉपर्टी की याद करो, 8 की डिविजनल प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, लास्ट की 3 डिजिट क्या है, 560, ठीक है ना। अब देखो 56 8 की टेबल में आता है ना 7 टाइम्स, तो ये तो पूरा पूरा गया, और 0 का 0 हो जाएगा, यानी इससे डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर भी क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन में ये करना है, एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, कैन टू नंबर हैव 15 एज एचसीएफ एंड 230 एज एलसीएम। देखो क्या कह रहा है ये, कि कोई भी ऐसे दो नंबर है क्या, कोई भी दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका एच सी एफ क्या हो, 230 हो, और एल सी एम क्या हो, सॉरी एच सी एफ हो 15 और एल सी एम क्या हो 230 हो। अगर ऐसा है ना, तो एक चीज़ बताओ, एल सी एम क्या होता है, एल सी एम क्या होता है, एल सी एम वो कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, और एच सी एफ क्या होता है, जो उन दोनों नंबर को डिवाइड करता है। अगर मान लो कोई नंबर है 15, आपने एल सी एम मान लिया, एच सी एफ मान लिया, तो 15 से एल सी एफ मान लिया तो क्या हो गया, देखो 30 होगा, 45 होगा। सपोज करो कि 230 दोनों के टेबल में आता है, हालांकि नहीं आता है, मान लो एक बार आता है, तो वो दोनों 15 से डिवाइड होने चाहिए ना भाई, इन दोनों का जो मल्टीपल है, जो भी मल्टीपल होगा 15 से डिवाइड होगा। कैसे, देखो इसका मल्टीपल अगला क्या हो गया 60, इसका क्या हो गया 90, ये दोनों 15 के टेबल में आते हैं, यानी इनके जो भी मल्टीपल होंगे वो डिवाइड होने चाहिए भाई, एच सी एफ इनका 15 है तो इनके मल्टीपल डिवाइड होने चाहिए। और एल सी एम का मतलब क्या है, एलसीएम का मतलब है कि ये उन दो नंबर का मल्टीपल है, सबसे बड़ा सबसे छोटा मल्टीपल है, तो ये 15 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 230 15 से पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पॉसिबल है, तो आप 15 से इसको डिवाइड करके देखो, 15 वन ज़ा 15 कितने बच गए, देखो 15 है 5 3 8 बच गए, अब 80 हो गया, 80 आता है क्या 15 के टेबल में, नहीं आता है, तो ये इसका फैक्टर है ही नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज डिविजिबल, सॉरी
विच वैन डिमिनिश्ड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 90. यानी कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके अंदर से अगर अपन 5 को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो नंबर 21, 28, 36 और 90 से डिवाइड हो जाए. देखो क्या करेंगे, 21, 28, 36 और 90 इनसे डिवाइड हो जाए. आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है. सबसे पहले एलसीएम निकालो. देखो 2 से करना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इनमें ईवन नंबर है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तीनों ईवन नंबर है. 21 तो 21 रह जाएगा, 28 का क्या हो जाएगा 14, इसका क्या हो जाएगा 18 और इसका हो जाएगा 45. अब ये दोनों ऑड नंबर हो गए, पर ये दोनों अभी भी ईवन है, तो फिर से करो 2 से. 21 इंटू 14 की जगह क्या आ जाएगा 7, अब ये ईवन, ये क्या हो गया 9, ये भी ऑड हो गया और ये भी ऑड ही है. अब कि देखो 21 है, 9 है, 45 है, 3 से करो. 3 से गया तो 7, ये कितनी बार आ गया 3 टाइम्स और ये कितनी बार आ गया 15 टाइम्स. अब फिर 3 से करो आप तो क्या आ जाएगा 7, 7, 1, 5. अब देखो 5 आ गया तो पहले आपको 5 से करना है, तो फिर 5 से गया तो 7, 7, 1, 1. अब क्या करोगे आप 7 से, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 आ गया ना. ये हो गया, इसका क्या होगा एलसीएम. एलसीएम क्या आएगा आपका, इसका एलसीएम आएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या है पता लग गया ना, 2 आ गया नंबर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. अब देखो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 क्या होते हैं आपके 36, 36 इंटू 35, 36 इंटू 35. अब इसका आपका आंसर क्या आएगा 1260. इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो क्या आपके 1260. अब उसने क्या क्या है कि 5 को अगर हटा दें तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, यानी जो उसने आंसर पूछा है ना उसमें क्या है, वो इससे 5 बड़ा है. बड़ा क्यों है, क्योंकि उसने कहा कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसमें से मैं 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 160 मिले, वो क्या होगा 165 होगा. अगर 165 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को 1260 मिलेगा. यानी आपका आंसर क्या हो गया 1265, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36. देखो क्या कहा इसने कि ऐसा एक 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर. अब देखो 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, मैंने आपको बताया ना, ग्रेटेस्ट पूछा, कितना पूछा है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, तो उतने टाइम्स आप 9 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होता है. ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है, ये डिविजिबल है या नहीं ये बाद में चेक करेंगे अपन. अपन को दिया हुआ क्या किसका निकालना है, 24, 15 और 36 का निकालना. अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे 24, 15 और 36 करना क्या है, इसको ध्यान से देखना. देखो आप सबसे पहले आप इनका क्या करो, एलसीएम निकालो. सबसे पहले एलसीएम निकालो. देखो 24 ये गया, 15 नहीं जाता, 8 ये ज़्यादा 88 टाइम्स. फिर 2 से किया ये 6 अभी भी जाएगा, 15 ये कितना हो गया 9 अब नहीं जाएगा पर ये जाएगा. 2 से गया तो 3 ये 15 ये 9. फिर 3 से किया तो यहाँ पे ये 1 ये 5 ये 3. फिर 3 से किया तो 1 ये 5 ये 1. फिर 5 से गया तो 1 आ गया. अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 24 हो गया 24 into 15. ये आपका एलसीएम है. एलसीएम क्या आपका 24 into 15. अब देखो उसने क्या किया कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो इसका एलसीएम होगा वो अगर इसको डिवाइड करे ना तो या तो ये पूरा पूरा चला जाए, अगर नहीं जा रहा है तो जो भी रिमाइंडर बचेगा हमें उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि हमें पता लगे वो कौन सा नंबर है जो इनके एलसीएम से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. क्योंकि अगर इनके एलसीएम से हो गया तो इनसे भी हो जाएगा 24, 15 और 36 से. तो क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम क्या आ रहा है इनका 360. ठीक है, और अब क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे 9999 से करके देखते हैं. 9 36 टाइम्स हो गया, आपको उसको डिवाइड करना है किसे, 360 से. ठीक है, तो देखो 360 है, 2 जा, ठीक है, 720 आएगा, 972 ये आ गया. अब आपने 9 कैरी कर लिया. अब आप देखो ये क्या हो गया, इनटू आप 7 करो इसको, 360 इनटू क्या करोगे आप 7, यहाँ पे करके देखते हैं, 360 इनटू 7 करके देखा, 7 2 4 21 21 प्लस 4 25 ये आ गया. देखो तो 7 से क्या था आपने, क्या आया 2527 आ गया आपके, 2520 सॉरी वो 0 है ना, तो यहाँ पे 9 आया 7 एंड देन यहाँ पे बच गया आपके 2. फिर आपने 9 कैरी किया, देखो ये 9 यहाँ कैरी हुआ, ठीक है, फिर ये 9 यहाँ कैरी होगा,
फिर एक नाइन आएगा आपके, वही आपने फिर से इसको किया, फिर आपके क्या बच जाएगा 279, फिर आप 9 कैरी करोगे तो फिर आप लिखोगे 2720, तो आपके बचेगा क्या 279, यानी 279 आपके रिमाइंडर बच रहा है। मैंने क्या कहा, जो भी रिमाइंडर बचे ना उसको आप क्या कर दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप क्या करोगे 9999999 माइनस 279, जैसे ही आप ये करोगे तो 9002799 ये आपका आंसर हो गया। क्या किया आपने, देखो आपने कहा, उसने कहा कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताओ जो इन सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालोगे, भाई कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल यही है, अगर ये इसको पूरा डिवाइड करता है तो यही हो गया, और नहीं करता है जितना भी रिमाइंडर बचता है उसको हटा देंगे तो हो जाएगा, ये तो करेंगे ना। तो क्या किया, एलसीएम निकाला, 360 निकाल दिया, 360 एलसीएम आ गया। आप देखो समझो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये 360 एलसीएम है ना, अगर ये इसको पूरा डिवाइड करेगा तो यही नंबर इन सबसे डिवाइड हो जाएगा, पर जब अपन ने इसको इससे डिवाइड किया तो कितना बच गया, 279 बच गया। अगर मैं इसमें से 279 हटा दूं तो मुझे जो भी नंबर मिलेगा वो इनके एलसीएम से डिवाइड होगा, और अगर इनके एलसीएम से डिवाइड होगा तभी तो इनसे होगा ना, इसलिए मैंने जैसे इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे ये नंबर मिला, ठीक है ना, एज ए रिमाइंडर। मैंने जैसे इसको हटाया तो मुझे मिला, ये जो है ना इससे भी पूरा डिवाइड होगा, और फिर अगर इससे होगा तो इन सबसे भी होगा, इसलिए ऐसा किया, ठीक है। तो ये आपके हो गया एग्जाम्पल नंबर, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 6 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की, तो एग्जाम्पल नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है और आगे बहुत पूछा जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि थ्री बेल्स टॉल एट इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15, टॉल मतलब बजना हो गया उनका, मतलब वो तीन बेल है वो बजती है, एक बजती है 9 मिनट बाद, एक बजती है 12 मिनट बाद, और एक बजती है 15 मिनट बाद में, 9, 12 और 15। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर उनको एक बार एक साथ में छोड़ा जाए, ठीक है ना, देन एट वॉट टाइम दे विल टॉल टुगेदर अगेन, तो मतलब अगली बार वो कब साथ में बजेंगे, यानी आप एक चीज़ समझ के देखो, मान लो तीन बैल है, ठीक है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, मैं लिख देता हूँ ए बी सी है, तीन बैल हैं आपके, ठीक है ना, एक 9 मिनट हर 9 मिनट बाद बजती है, एक हर 12 मिनट बाद में, और एक हर 15 मिनट बाद में बजती है। तो ये क्या कह रहा है कि हमने तीनों को रोका और तीनों को एक साथ छोड़ा, तो पहली वाली बैल जो थी ये तो 9 मिनट बाद में बज गई, तो ये बी थी ये 12 मिनट बाद बजी, और ये जो सी थी ये 15 मिनट बाद बजी, छोड़ने के बाद, ऐसा नहीं कि पहले ये बजी फिर इसके 12 मिनट बाद, नहीं, ये 9 मिनट में बज गई। मान लीजिए आपने 1 बजे छोड़ा, आपने इन सबको 1 बजे छोड़ा, ठीक है ना, 1 PM पे आपने इनको पकड़ा और छोड़ दिया, तो 1:09 पे तो ये रिंग करेगी, 1:12 पे तो ये करेगी, और 1:15 पे क्या करेगी, ये करेगी, यानी ये डिफरेंस चल रहा है इनके बीच में। अब वो क्या कह रहा है कि ये दोबारा कब साथ में रिंग करेगी, तो दोबारा कब करेगी, जब इनके बीच का एक कॉमन मल्टीपल आएगा, भाई एक ऐसा कॉमन टाइम आएगा जब ये दोबारा साथ में रिंग करेगी। आपको क्या निकालना है, कुल मिला के इनका एलसीएम निकालना है, मैं आपको खाली क्वेश्चन समझा रहा था कि वो कहना क्या चाह रहा है, बाकी करना कुछ नहीं है, सीधा एलसीएम निकालना है, निकालो एलसीएम, एक इवन नंबर है इसलिए करना पड़ेगा 2 से, फिर एक और इवन नंबर बच गया इसलिए आपको फिर से 2 से करना पड़ेगा, आपने किया 3 आ गया 15, अब इवन नंबर नहीं है तो ऑड पे आ जाओ, 1, फिर 3 से करो 1, 1, 15, सॉरी 5 आ गया ना यहाँ पे, अब 5 से कर दो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 5, 180 ये आ गया, यानी ए 180 मिनट बाद में वो आपके एक साथ रिंग करेगी। अब एक चीज़ समझो, अगर वो आपको कह देता कि मान लो एक 1 o'clock पे उसने इन सबको छोड़ा है, 1 o'clock पे उसने आपको बैल को छोड़ा है, तो दोबारा ये बैल कब एक साथ बजेगी, तो 130 मिनट का मतलब क्या हो गया, एक आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड किया तो कितना है, 3, यानी 3 घंटे बाद में ना, तो 1 बजे अगर उसने एक साथ छोड़ा है तो अगली बार वो कब बजेगी, 4 बजे एक साथ बजेगी। हो सकता है ऐसा पूछ ले, बाकी ऐसा क्वेश्चन मुझे अभी तक तो दिखा नहीं, फिर भी आपको आना चाहिए कि भाई अगर इस टाइम पे छोड़ा है तो अगली बार कब बजेगी, तो इतने बजे बजेगी, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल्स जो हैं वो सारे मैंने आपको एक एक एग्जांपल करवा दिया, एक भी एग्जांपल नहीं छोड़ा मैंने इस बार, क्योंकि तो एग्जाम्पल सारे अलग अलग थे और सारे अच्छे थे। अब करते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं आपको खाली एक करवाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो दोनों के अंदर आपको अलग अलग निकालना है, ठीक है ना, इतने में निकल ही जाएगा ये। देखो 2, 12 फिर 2 से किया तो 6, फिर 2 से किया तो 3, फिर आपने 3 से किया तो 1, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24,
रिसेंट हुआ, सॉरी 24 के लिए क्या आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 एलसीएम निकालना है ना आपको, अच्छे तो निकालना है मैं भी ना, 2 × 18 फिर 2 से गया तो 9, फिर 3 से गया, फिर 3 से गया ये आ गया, तो 36 के लिए क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 2 की हाइएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 3, और एलसीएम निकालना है, और 3 की हाइएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब क्या होता है, 8, 8 9 72, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का स्क्वायर होता है 9, आपस में मल्टीप्लाई किया 72 आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए हो गया। किया कुछ नहीं है, वो दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकला, फिर दोनों में जो कॉमन टर्म है 2 की हाइएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 की हाइएस्ट पावर कितनी आ रही है, स्क्वायर आ रहा है, किया सॉल्व कर दिया, किया कुछ नहीं है, जो आपने एग्जाम्पल्स में किया वही है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3.5 है ये। अब देखो, फाइंड द एलसीएम यूजिंग द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपको निकालना है, डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होता है, साथ में करना होता है, मैं भी आपको इसका फर्स्ट करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्या कर रहा है देखो, 8, 12, 16 और 30, भाई सारे इवन नंबर है, तो पहले 2 से होगा 4 टाइम्स, ये गया कितने टाइम्स, 6, ये गया 8, ये कितना आ गया 15, फिर 2 से गया तो 2, 3, 4, 15, फिर 2 से गया तो 1, 3, 2, 15, फिर 2 से गया तो 1, 3, 1, 15, फिर 3 से गया तो 1, 1, 1, 5, फिर 5 से गया तो 1 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका क्या होगा, 2 की पावर कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 2 का स्क्वायर 14 और 2 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 × 2 = 4, 8, 16, 16 × 3 = 48 और 16 × 3 = 48, 48 × 5 आपको क्या करना है, 48 × 5, अब 48 × 5 करो, 48 का 10 डबल क्या होता है, देखो 96 × 48 × 5 ही करना है यार, 5 × 200 + 40 = 240 आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, कॉमन मल्टीपल लेना तो एक साथ चलना है, फिर एलसीएम क्या आएगा जितना भी है ना, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये मैंने यहाँ पे क्या किया, तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जितने भी नंबर थे ना, 2 फिर 2 फिर 2 उसके बाद 2 फिर 3 फिर 5, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया है और ऐसे लिख दिया मैंने शॉर्ट में, बाकी चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचए फॉर द फॉलोइंग। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम मैक्सिमम याद करो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट करा है मैंने प्रॉपर्टी का, वैसे ही करना है, इसमें 3 ही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप तीनों करें ट्राई, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ, करना कुछ नहीं है, 2 नंबर दिए हुए हैं, तो पहले एचए एफ निकालेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे मान लो 3 के A के अंदर क्या करना है, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एच सी एफ निकालेंगे, जैसे आप एच सी एफ निकाल लें, फिर वही आपको फॉर्मूले के अंदर इनको रखना है और एल सी एम निकालना है, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे एग्जांपल मैं आपको करवा सकूँ, एच सी एफ दिया हुआ है 2 नंबर का और 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, उनका एल सी एम निकालना है, ठीक है, तो ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर क्या करना है, देखो एच सी एफ दिया हुआ है आपको और 2 नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको, खाली उनका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, वो इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करा है, गिवन दैट एलसीएम ऑफ 2, एलसीएम दिया हुआ है, देख लो पहले वाले में एच सी एफ दिया हुआ था, इस वाले में एलसीएम दिया हुआ है। देखो मैं कॉमन फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, वो क्या है, x × y = HCF × LCM। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो आपको एच सी एफ दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये पूछा है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो आपको एलसीएम दिया हुआ और ये दिया हुआ आपको ये पूछा है, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, है ना, इजी तो है, खाली इधर लेके आना उसको डिवाइड मारना और कुछ नहीं करना। अब नंबर 6 क्या कह रहा था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर, देखो आपको क्या है उसने, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ, उसने आपको एचसीएफ भी दिया हुआ है, उसने आपको एलसीएम दिया हुआ है और आपसे उसने ये पूछा है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इसने एक और चीज कहा हुआ है, उसने आपको क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, मार्कर दूसरा लेते हैं पहले, देखो फटाफट कराते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि उसने आपको एक नंबर दिया हुआ है x, वो क्या दिया हुआ है 725, क्या दिया हुआ है उसने आपको 725, आपको y पूछा उसने, उसने आपको HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है उसने आपको 145 और LCM दिया हुआ उसने आपको 2175 और आपसे पूछा क्या उसने ये। तो देखो y निकालने के लिए आप क्या करोगे, x यहाँ पे मल्टीपल में होता है, ये तो फॉर्मूला होता है ना,
ई एक्स यहाँ पे मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में, आपको वाई निकालना है, कुछ नहीं करना आपको, वैल्यू मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉल्व में जाता हूँ, आप खुद करें, कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी, मैथ के अंदर कैलकुलेशन का तो खेल है। इसको 725 से डिवाइड करना है, ये चला जाएगा 725 से थ्री टाइम, ये 725 से थ्री टाइम चला जाएगा पूरा पूरा, देख के बता सकता हूँ क्योंकि मेरी, अब आपको कैसे तो देखो प्रैक्टिस करोगे ना आप तो आपको पता लग जाएगा कौन किससे कितने टाइम कटता है, तो मैंने इसको देख के बता दिया वैसे ही थ्री टाइम्स आएगा, कैसे देखो 15 1 6 सॉरी 7 और ये कितना आएगा 29, ऐसे गया थ्री टाइम्स। अब आपको इसको थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है, बस थ्री टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 300 120 420 420 + 5 435 आंसर आ जाएगा इसका, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कर ही दिया 6 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या आपको बताना है कि नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट क्या 10000, 10000 के नियरेस्ट में वो नंबर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मैं लिख के बता देता हूँ आपको करना है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपको नियरेस्ट 10000 के नियरेस्ट में, 10000 के नियरेस्ट वो नंबर बताना है जो डिविजिबल हो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से। ठीक है, इन सब का आपको एलसीएम निकालना है, इन सब का एलसीएम बताऊँ क्या होगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका एलसीएम है, ये एलसीएम है इन सब का। कैसे देखो, 2 क्या एच पावर क्या आ रही है, 2 का स्क्वायर 4, 3 क्या एच पावर क्या आ रही है 1, 5 क्या एच पावर 5 आ रही है, 7 क्या एच पावर 7 आ रही है, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12 5 60, 67 420, 420 इसका एलसीएम हो गया। अब क्या करोगे, 420 को 10000 को 420 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 10000 से माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर समझ लो ये एलसीएम आ गया इन सब का, अब ये जो इन सब का एलसीएम है इस नंबर को आप क्या करोगे, ये इन सब का एलसीएम कैसे हो सकता है, फोर की टेबल में 42 आता है, 3 की टेबल में 42 आता है, 5 की टेबल में 42 नहीं आता ना। ठीक है, तो देखो ये एलसीएम आ गया इनका, अब ये जो एलसीएम है इसको इससे डिवाइड करोगे, जो भी आपके नंबर आएगा रिमाइंडर बचेगा वो इससे माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे डिवाइड, ये डिवाइड होगा इससे, रिमाइंडर बचेगा वो इसमें माइनस होगा, इसमें मत कर देना, इसमें माइनस होगा और फिर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 16 24 40 लीव्स अ रिमाइंडर 8। देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको 8 करवाऊंगा और 9 आप खुद करेंगे, 11 भी आप खुद करेंगे और 10 भी आप खुद करेंगे, बहुत इजी है, और 12 भी आपको करना है, मैं लास्ट में आपको 13 करवा दूंगा, बाकी क्वेश्चन नंबर 8 है जो मैं लास्ट करवा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो लास्ट एक अलग है, बाकी सारे क्वेश्चन मैं आपको एज एग्जांपल करवा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय, वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इन सबसे डिवाइड हो, तो 40 है, सर 20 नहीं, यहाँ पे क्या है 40 है, तो वो रिमाइंडर कितना छोड़े, 8 रिमाइंडर छोड़े, यानी जो भी आपका इन तीनों का एलसीएम निकाला और उसमें 8 को ऐड करना है, निकाल दो इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या 2 8 12 20, फिर 2 से गया 4, फिर 6 10, फिर 2 से गया तो 2 3 5, फिर 2 से गया तो वो, फिर 3 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, इनका 2 2 4 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 5 80 83 240 240 आपका एलसीएम आ गया। अब 240 जो है ना वो 8 रिमाइंडर छोड़े, तो वो क्या आ जाएगा, 240 + 8 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 248 है आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, थोड़ा डिफरेंट था, हालांकि ऐसे एग्जांपल करवा चुका हूँ फिर मैंने सोचा करवा दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था, कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड हो और रिमाइंडर हमेशा 8 बचे, तो वो क्या होगा, इन सब का एलसीएम निकाला जो कि आपके क्या है 240, इन सब का एलसीएम क्या आया आपके 240, एलसीएम 240 आया। अब वो रिमाइंडर 8 छोड़े, उसके लिए आप क्या करोगे, इसमें 8 को ऐड करोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपके, देखो मैं बता देता हूँ आपको कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट बोथ 33 and 39 डिवाइड्स लिविंग रिमाइंडर 5, यानी 33 और 39 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकाला है, एलसीएम निकलेगा 33 और 39 का, दोनों 3 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है, 33 और 39 का एलसीएम आप निकालेंगे तो वो 3 से स्टार्ट करना है, इतना इंट और दे देता हूँ आपको, और जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर आपको क्या करना है, 5 को ऐड करना है।
ठीक है ना, जो भी एलसीएम आएगा ना, जो भी एलसीएम आएगा उसके अंदर आपको 5 ऐड करना है, वो आपका आंसर होगा, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा आपको, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मांगा है, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 5 टाइम्स 9, बताया हुआ मैंने आपको ये, है ना। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, 5, 10, 15, 20 और 25। तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, इन सब का एलसीएम निकालेंगे, वो जो भी एलसीएम आएगा वो इसको डिवाइड करेंगे। ये वही है, आपको एक एग्जांपल करवाया होगा मैंने शायद, है ना, एग्जांपल नंबर जो 5 है ना, एग्जांपल नंबर 5 जैसा ही है एग्जांपल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 एग्जांपल नंबर 5 जैसा है बिल्कुल, वैसे वही तरीका आपको यूज़ करना है। जो भी इनको करने के बाद जो एलसीएम आएगा वो इसको डिवाइड करेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो इसमें से माइनस कर देना, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मैं आपको एग्जांपल नंबर 5 करवा चुका हूँ। अगर अब मैं आपको ये करवा दूंगा तो आप प्रैक्टिस किसका करेंगे, आप ट्राई किसको करेंगे, इसलिए आप इसको करेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं आपको नहीं बता रहा, देखो मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा, इसने क्वेश्चन नंबर 11 में 3 बेल दी हुई है, जो एक 6 मिनट, एक 8 मिनट और एक 20 मिनट बाद में रिंग करती है। और इसने कहा कि सबसे पहले वो सुबह 8 बजे एक साथ में उसको वो रिंग की थी, अब दोबारा कब करेगी। तो देखो उसने टाइम पूछ लिया, जब पूछ लिया तो क्या, आप जो भी आएगा एलसीएम वो आपके मिनट में आएगा, उसको आप आवर्स में कन्वर्ट करके 8 बजे के बाद में ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद करेंगे, इजी है, मैं आपको एग्जांपल करवा चुका हूँ, वैसे ही करना है, ठीक है। फिर बता रहा हूँ उसमें पूछा है दोबारा कब रिंग करेगी, तो आप जितना भी जो भी आपका आंसर आएगा यानी जो भी आपका एलसीएम आएगा वो मिनट में आएगा, उसको आप आवर में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 से डिवाइड करेंगे, और जैसे ही 60 से आप डिवाइड करेंगे उसको तो आप उसको ऐड कर देंगे 8 बजे बाद। जैसे मान लो करवाऊँ क्या, चलो आपको करवा ही देता हूँ यार। क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या, 6, 8 और 20 है, इस मिनट पर रिंग की थी, इनका एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना। रफली करवा रहा हूँ आपको क्योंकि आपको मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन। फिर आपने इसको 2 से किया तो 3, 2 और 5, फिर 3 से किया और 2 टाइम्स, फिर 2 से करोगे एक बार यार आप इसको, फिर 2 से किया, फिर 3, 1, 5, आप इसको 3 से करोगे और उसके बाद आप इसको 5 से करोगे, ये आपके आ गया। अब देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 43 120, ये आपका एलसीएम आ गया। ये एलसीएम क्या है आपके मिनट में, यानी 120 मिनट बाद में, यानी अब आप ये मिनट में आप इसको जब आवर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, उसको 60 से डिवाइड करोगे, जैसे डिवाइड किया तो आपके क्या है 2 आवर यानी 2 घंटे, यानी जब सुबह 8 बजे एक साथ रिंग की थी, 8 AM पे ये एक साथ रिंग की थी, तो अब उसके 2 घंटे बाद यानी 10 AM पे दोबारा एक साथ रिंग करेगी ये सारी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन मैंने रफली करके दिखा, आप खुद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए, देखो तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच ऑन डिवाइडिंग 14, 12, 20, 24। देखो ये वो सेम है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7, ये सब सेम है आपको कुछ नहीं, आपको 4, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन 4, 12, 20, 24, इन सब का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है, ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है, प्लस 3 करना है, आपका आंसर आ जाएगा, 3 ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है जो एक साथ निकले, ठीक है ना। पहला पर्सन क्या है, जो उसका स्टेप है यानी वो एक कदम जो लेता है, वो पहला पर्सन जो है वो एक कदम लेता है ना, यानी एक पाँव उसका यहाँ पे, दूसरा पाँव यहाँ पहुँचेगा, उसमें उसको कितना डिस्टेंस आता है उसका 80 सेंटीमीटर का आता है। और जो सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन के लिए है, सेकंड पर्सन के लिए क्या होगा, सेकंड पर्सन के लिए है 85 सेंटीमीटर, और जो थर्ड है उसके लिए कितना है ये 90 सेंटीमीटर। तो वो क्या कह रहा है, एट व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट दे कवर अ सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट। देखो वो क्या कह रहा है कि एक कंप्लीट टाइम, देखो वो क्या कह रहा है कि एक के पांव तो 80 सेंटीमीटर चौड़े खुलते हैं जब वो चलता है, ठीक है ना, एक के 85 खुलते हैं और एक के 90 सेंटीमीटर खुलते हैं। तो वो कह रहा है कि वो कैसे साथ में स्टार्ट करें कि दोनों का जो है वो सही टाइम, सब तीनों के तीनों एक साथ कंप्लीट करें। इनका एलसीएम निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम निकालना 80 का, 85 का और 90 का। तो देखो 80 के लिए, 80 का एलसीएम निकालोगे 40, 85 ज़्यादा नहीं है, और क्या आ गया आपके 90 के लिए आ गया 45, अब नहीं जाएगा 80 आ गया 20, ठीक है ना, फिर जाएगा 10 टाइम्स और फिर जाएगा ये 5 2 85, ये 45, फिर 85 और ये 45,
अब देखो 45 आ गया तो आपको 3 से करना पड़ेगा, तो 85 ज़्यादा है क्या 3 से? 13 आ रहा, नहीं ज़्यादा, छोड़ दो उसको। 85 ये जाएगा कितने टाइम्स? 45, 15 टाइम्स। फिर आप इसको 3 से करोगे तो 5 आएगा, फिर ये, फिर आप इसको 5 से करोगे तो ये गया, ये गया 85 है, तो देखो कितनी बार जाएगा, 5 के 11 आएगा, 80 के लेके आएगा 41, ठीक है ना। 5 ये क्या जाएगा, 85 में कैरी होगा, फिर 3 से किया ना तो 5 5 5, अब 5 से करोगे आप इसको तो आपके क्या जाएगा 141 1। अब आप इसको 41 से करोगे तो जो भी आप इसको अब क्या करोगे, आप एलसीएम में क्या आएगा आपके, थोड़ा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 5 × 41, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्लास ऐसा है, आपकी एक्सरसाइज 3.5 भी आज मैंने कंप्लीट करवा दी, मैंने आपको सारे एग्जांपल्स करवाए और मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता भी दिए सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखो आपकी 3 चैप्टर पूरा हो चुका है, कहीं पे भी कोई भी एक्सरसाइज का डाउट रहा हो या कोई भी एक्सरसाइज छोड़ दिया, ऐसा अगर अभी भी वो ऐसा बच्चा है जो 3.1 पे पढ़ा है तो भाई कैचअप कर ले, नहीं तो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट में जाओ, एक्सरसाइज लिखो, एग्जांपल है तो एग्जांपल, और अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन, और क्वेश्चन का कोई टाइप है तो लिखो नीचे कमेंट में, आपके डाउट सारे दूर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.5 तक कंप्लीट हो चुका है, जितना भी रहा है पूरा प्रैक्टिस करना है, जो मैंने करवाया है उसको भी करना है, जो नहीं करवाया है उसको भी करना है। नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं कि एक बार नहीं हुआ तो छोड़ दिया सर से पूछेंगे, 2-3 बार ट्राई करके देखो, अपनी मिस्टेक ढूंढो, क्योंकि देखो गलती अगर आप पकड़ना शुरू कर दोगे ना तो आगे आपके लिए मैथ्स बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।